तो आज हम बनाने वाले हैं एक बकेट, जो कि हमारे एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट के एग्जाम का सबसे ज्यादा मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बदल सकता है पर हमारा बकेट बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मतलब बकेट तो आने ही वाली है। तो अब हम हमारे बकेट की स्केचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ओवल निकाल लेंगे, मतलब हमारे बकेट का मुंह, और फिर उसको वो साइड से बॉर्डर रहती है तो वो भी निकाल देंगे, मतलब जिसके ऊपर हैंडल टिका हुआ रहता है वो। फिर अपने बकेट की डेप्थ भी निकाल लेंगे, मतलब कितने हाइट की चाहिए उस हिसाब से बकेट, पर आपको ज्यादा लंबी नहीं निकालनी है, नहीं तो वो ग्लास लगने लग जाता है। हाइट थोड़ी सी कम रखना जिससे हमारी बकेट ऐसे बकेट जैसे लगेगी। फिर अपना बेस भी निकाल लेंगे बकेट का। फिर अपनी बकेट को थोड़ा सा फिनिशिंग दे देंगे एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन लेके, मतलब स्टार्टिंग में अपना रफ रफ लाइंस निकाल लेना, बाद में स्केल से एकदम परफेक्ट कर देना। फिर अपने बकेट का हैंडल भी निकाल देंगे, मतलब बकेट को पकड़ने के लिए हैंडल तो चाहिए ही, तो फिर उसके लिए हम पहले बॉक्स निकाल लेंगे, फिर उससे तार भेज के एक हैंडल बना देंगे। फिर हमारे बकेट का बेस भी निकाल देंगे कुछ ऐसे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, क्योंकि ये मतलब डिटेल्स माने जाते हैं, आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। फिर हम हमारे स्केच को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे, क्योंकि वो बाद में डार्क लाइंस नहीं दिखने चाहिए। फिर इरेज होने के बाद हम हमारा कलरिंग स्कीम चूज करेंगे। अब मैं रेड कलर के शेड्स यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रेड कलर के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे रेड, ऑरेंज और येल्लो, मतलब हम डायरेक्टली शेड्स अप्लाई कर सकते हैं, पर बाकी के कलर में हमें डार्क शेड ऐड करके वैसा बनाना पड़ता है। पर आपको किसी और कलर से इजी पड़ता है तो आप उस कलर से कर सकते हो। तो मैंने अपनी बकेट की लाइट साइड के ऊपर येल्लो का हाथ मार दिया। फिर हम अपने ऑरेंज को अपने येल्लो के अंदर मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, अपने ब्रश को धो लेना और फिर कुछ ऐसे हाथ मार लेना। फिर अपने रेड से अपना डार्क वाला शेड दे देना आखिर का, और फिर हम उसे भी मर्ज कर देंगे कुछ ऐसे। फिर हम हमारे निचले वाले पार्ट के ऊपर आएंगे। तो पहला हाथ हम अपने ऑरेंज से देंगे, मतलब बेस कलर अपना ऑरेंज होने वाला है। ये मेरी लाइट वाली साइड है बकेट की, ऊपर वाले का बिल्कुल अपोजिट होने वाला है ये वाला शेड, मतलब इस साइड से डार्क है तो निचले वाला अपोजिट साइड से डार्क होगा, क्योंकि एक साइड से लाइट आने पे कुछ ऐसा ही शेड बनता है। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो ऐसे। तो अब हम हमारे रेड से डार्क शेड देना स्टार्ट कर देंगे। इस साइड से करेंगे क्योंकि हमारी डार्क साइड ये है। फिर उसे मर्ज भी कर देंगे ऑरेंज के साथ। तो कुछ ऐसे ही हम पूरी बकेट में शेड कर देंगे रेड से, और जिस साइड से हमने अपनी बकेट को लाइट शेड दिया है उस साइड से हम थोड़ा सा डार्क शेड भी दे देंगे, क्योंकि वो पिछली वाली रिफ्लेक्शन पड़ रही रहती है बकेट के ऊपर। फिर हम अपने रेड के डार्क शेड से बॉर्डर कर देंगे बकेट को कुछ इस तरह से। फिर हम उस लाइन को बकेट के साथ मर्ज कर देंगे। और फिर अपने बेस को भी डार्क टू लाइट शेड दे देंगे। फिर हम हमारे हैंडल को भी कलर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अपना बेस ऑरेंज दे देंगे और फिर उसके ऊपर रेड से डार्क कलर कर देंगे,
मतलब उसके अंदर के शेड्स सारे। फिर हम हमारे हैंडल को ब्लैक कलर दे देंगे और थोड़ा सा कर्व कर्व निकालेंगे ताकि हमारे हैंडल को ग्रिप रहे। फिर व्हाइट से थोड़े थोड़े कर्व निकाल देंगे ताकि फील आ जाएगा कि वो उसके अंदर ग्रिप है कुछ तो। फिर हम हमारे हैंडल को ग्रे कलर देना स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे। फिर हम हमारे उस बॉक्स को 3D बनाने के लिए डार्क शेड दे देंगे ब्लैक से। फिर ऐसा कुछ हैंडल हो जाने के बाद हम उसके अंदर चमक दे देंगे, मतलब वाइट शेड ऐड कर देंगे जिससे वो स्टील का फील आ जाएगा। तो अब हमारी बकेट का मेन काम हो चुका है। अब हम उसे शैडो भी दे देंगे और फिर इसके बाद हम उसे फिनिशिंग दे देंगे, कुछ हाइलाइट्स ऐड करेंगे और कुछ डिज़ाइन ऐड करेंगे। वो डिज़ाइन वाला पार्ट ऑप्शनल रहेगा, पर आप करोगे तो और अच्छी लगने लग जाएगी हमारी बकेट। और फिर शैडो वाडो सब कुछ सूखने के बाद हम अपना वाइट कलर ले लेंगे और कहीं कहीं पे कुछ ऐसे वाइट शेड्स ऐड करेंगे, मतलब हाइलाइट्स कहीं कहीं से चमकने लग जाती है हमारी बकेट, तो वो सब। तो अब वो डिज़ाइन वाला पार्ट, इसके अंदर हमें रेड के अंदर ज़्यादा पानी लेना है और फिर कुछ ऐसे लाइंस मारना है, मतलब ज़्यादा भी उठ के नहीं दिखना चाहिए और ज़्यादा भी फीका नहीं रहना चाहिए। ऐसा मीडियम पानी और रेड का मिक्सचर करके ऐसे लाइंस निकाल देने का। फिर उसके ऊपर वाइट से हाइलाइट्स ऐड कर देंगे, एकदम पतली पतली लाइंस निकालने कुछ ऐसे। अगर व्हाइट लाइंस कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाए उसे एक बार ब्रश से हाथ मार देना तो हमारा व्हाइट थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। बेस के अंदर भी एक छोटा सा हाईलाइट डाल देंगे कुछ ऐसे। तो ऐसा कुछ करने के बाद हमारी बकेट तैयार हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और फिर और कुछ चाहिए होगा तो वो भी बता देना। तो बाय बाय और प्रैक्टिस करते रहना।